इन सबको पता होगा कि मेरी सात बहने हैं, सातों पर चीजा पे मुकदमा। मेरी बहनों के सात ससुर यानी सात ससुर 14 उन पे भी मुकदमा। लोग चाहते हैं कि हम लोगों को तोड़ दिया जाए, लेकिन वो लोग बेवकूफ है। नरेंद्र मोदी जी से की प्रधानमंत्री कैसे बने, विचार से की गृहमंत्री कैसे बन गए, आपको पता ना होगा। अगर पासपोर्ट हमारे देश की नागरिकता साधन में नहीं करता तो पासपोर्ट के ऊपर भारत गणराज्य क्यों लिखा हुआ होता है? सोचते थे बेवकूफ बना देंगे, अब पानी करें सर के ऊपर से चक्कर करें। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। ये 130 करोड़ इस भारत की जनता जो देश को बांटना चाहती है, जो महात्मा गांधी के विचार को नहीं मानती, अंबेडकर के विचारधारा संविधान को नहीं मानती, आने वाले समय में उसको सबक सिखाने पाकिस्तान भेज देंगे। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग कान खोल के सुन ले, ये देश किसी बाप का देश नहीं है। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यही हमारी देश की खूबसूरती है। अलग अलग पहनावा है, अलग अलग राज है, अलग अलग धर्म है, इसीलिए हमारा भारत देश सबों देशों से महान कहलाता है। इसको ये भेदभाव की राजनीति, जहर बोलने की राजनीति, क्या कहते वो कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के घर से मकान छोड़ दे। उनको बोलिए हमको पाकिस्तान क्या भेजेंगे, भारत में जितने मुसलमान है वही पाकिस्तान का रास्ता दूर कर देंगे। ये लोग नफरत फैलाने का काम करते, अब बताओ अब हम लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि हम लोग इस देश के नागरिक है कि हम लोग इस देश के देशभक्त है कि नहीं, अब सबूत देना पड़ेगा। कहां हमारा देश जा रहा है? आखिर आने वाली पीढ़ी, आज के बच्चे, आज के नौजवान रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोजी रोटी के लोग मर रहे हैं। आज ये नौजवान आने वाली पीढ़ी आगे जाके क्या सीखेगी? क्या हम अमन चैन में रहेंगे जहाँ ये महात्मा बुद्ध की धरती है? अब बुद्ध का कहना था व्हेन देयर इज पीस देयर इज प्रॉस्पेरिटी, यानी अमन चैन जहाँ है वही विकास संभव है, बिना अमन चैन के विकास संभव नहीं। ये महात्मा बुद्ध ने वोट करने का काम किया। आज नौजवान हमारा क्या सकेगा, नफरत देख रहा है किस माहौल में।